नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा आपको सुना रहा हूं। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से ये कहा कि वहां एक साल तक राह देखने के बाद भी जब बाली उस गुफा में से बाहर नहीं आया और सफेद रक्त की धारा निकली, तो ये मान करके कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, शोकार्तश्चोदकं कृत्वा, दुख से व्याकुल होकर के उसके नाम का उदक यानी जलदान पिंडदान वगैरह करके किष्किंधायाम आगता सके, हे मित्र मैं किष्किंधा नगर में आ गया। गुहमानस्य मे तत्त्वं यत्र दो मंत्र भी श्रुतम। मैंने इस बात को बड़ा छुपाने की कोशिश की कि महाराज बाली की मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर भी मंत्रियों को इस चीज की भनक लग गई। उन्होंने इस बात को जान लिया और ऐसी स्थिति में जैसे मेरे पिता की मृत्यु होने पे बाली को राजा बना दिया गया था, उसी प्रकार से ततो हम तई समागम्य सम्मत ही अभिसेचिता, मेरे पास आकर के उन सब ने सम्मत ही एक सम्मति के साथ मेरा अभिषेक कर दिया, मेरा राज्याभिषेक कर दिया। राज्यम प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव, और हे राघव मैं अत्यंत न्यायपूर्वक उस राज्य का लालन पालन करने लग गया। तभी बानर राज बाली जो है, आज गाम रिपुमत्वा बाली तम सुरोत्तमम, उस अपने शत्रु का संहार करके और नगरी में वापस आ गया। अभिषिक्तम तुम आम दृष्टवा बाली संरक्त लोचना, और जैसे ही उसने मुझे राज सिंहासन पर बैठे हुए देखा, जैसे ही उसको समाचार मिला कि मेरा राज्याभिषेक हो गया है, उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। अत्यंत क्रोधित होकर के मदीयान मंत्रिणों बद्ध्वा परुषम वाक्यम अब्रवीत, मेरे जितने सहायक मंत्री थे उनको बंदी बना करके उसने बड़े ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया। निग्रहेपि समर्थस्य तम पापम प्रति राघव, हे रघुनंदन उस पापी को उस समय अपने काबू में करने के लिए, उसको बंदी बनाने के लिए मैं समर्थ था, फिर भी ना प्रावर्तत में बुद्धिर भ्रातु गौरव यंत्रिता, लेकिन अपने भाई के प्रति बड़े भाई के मान सम्मान के कारण मैं ऐसा ना कर सका या मैंने ऐसा नहीं किया। हत्वा शत्रुम समय भ्राता प्रविवेश पुरम तथा, लेकिन अपने शत्रुओं का संहार करके अंदर आया हुआ जो मेरा भाई है, उस भाई का मैंने मान्यंस्तम महात्मानम यथावच्चाभ्यवादयम, मैंने उसका मान सम्मान करके यथोचित रूप से उसका अभिवादन किया। और उक्ताश्च नासि शस्तेन संतुष्टेनांतरात्मना, लेकिन जब मैंने उसका अभिवादन किया तो बड़े भाई को चाहिए कि छोटे भाई को आशीर्वाद दे, लेकिन उसने बिल्कुल भी मेरे प्रति न तो मुझे आशीर्वाद दिया न मेरी बातों से वो संतुष्ट हुआ। जब मैंने उसके पैरों में अपने मुकुट को रख के ये कहा कि आप जैसे पहले राजा थे आज भी आप उसी प्रकार से राजा हैं, आपकी अनुपस्थिति में मैंने जो कुछ ये राज्य चलाया है, इस राज्य से मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, तब भी जब बाली ने मेरी बात का स्वीकार न किया तो फिर मैं दोबारा से अपने बड़े भाई के पास गया और जो क्रोध में अत्यंत व्याकुल हैं उनको मैंने समझाने की कोशिश की। अहम प्रसादयान चक्रे भ्रातरम हित कामया, भाई के हित की कामना से मैं उनको समझाने की, मैं उनको प्रसन्न करने की कोशिश करने लग गया। दिष्टयासी कुशली प्राप्तो दिष्टयापि निहतो रिपु, अनाथस्य ही मे नाथस त्वम एको नाथ नंदना, मैंने उनसे कहा कि ये सौभाग्य की बात है आप सकुशल वापस आ गए हैं, ये सौभाग्य की बात है कि आपने अपने शत्रु का संहार कर दिया है और मैं जो अनाथ हो गया था, जिसका कोई बड़ा नहीं था इस संसार में, आप वापस आकर के आपने मुझे सनाथ बना दिया है। इदम बहुशलाकम ते पूर्ण चंद्र इवोदितम छत्रम सब बाल व्यजनम प्रतीक्षस्व ममोद्यतम, मैंने उनसे कहा कि ये जो आपका राज्य है, ये आपका जो छत्र है, ये जो आपका सिंहासन है, ये जो आपका मुकुट है, ये सब आपका है। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार राजा बन गया तो इसके बाद मेरा इसके ऊपर कोई आधिपत्य हो गया है या मुझे कोई इसके प्रति मोह है। मैंने बड़ा उनको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की।
आर्तश्चाय विलद्वारे स्थिता संवत्स नृप दृष्ट्वाहम सोणितम द्वारे विलाचापि समुत्थितम। मैंने उनको ये बात भी समझाई कि मैं एक वर्ष तक उस दरवाजे पे खड़ा रहा था और एक वर्ष के बाद जब मैंने सफेद रंग के रक्त की धारा देखी तब मैंने ये सोचा कि संभवतः अब आप वापस नहीं आएंगे और इसलिए उस बिल के दरवाजे को मैं बंद करके उस गुफा के दरवाजे को मैं बंद करके और यहां चला आया। शोक संविघ्न हृदयो भ्रशम व्याकुलतेन्द्रियः अपि धाये बिलद्वारम गिरिश्रृंगेण तत्तथा। उस गुफा के दरवाजे को पत्थर से बंद करके मैं किष्किंधा में वापस आ गया। यहां इन सब लोगों ने आपकी अनुपस्थिति में मुझे ये जो राज्य सौंप दिया है, न्यास भूतम इदम राज्यम तव निर्यातयाम्यहम्। न्यास के रूप से, धरोहर के रूप से आपका जो राज्य मेरे पास था उसको मैं आपको वापस दे रहा हूं। माम चरोषम कृथा सौम्य मई शत्रु निवरणा। हे शत्रु संहारक, आपको मुझ मेरे ऊपर इस प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए, आप भूल जाइए। मैंने सिर रख के हर तरीके से अपने भाई को मनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई ने न तो मेरी एक बात सुनी। मामाह सुहृदाम मध्ये वाक्यम परम गर्हितम, और मेरे मित्रों के बीच में मेरा अपमान करते हुए और बड़ा ही निकृष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए कि उस मायावी राक्षस को मारने के लिए जब मैं गया तो ये सुग्रीव मेरे पीछे पीछे सिर्फ इसीलिए आया था कि अगर इसको मौका मिल जाए तो ये स्वयं राजा बन सके, अर्थात मेरा संहार कर सके। और जब मैंने इसको बिल के द्वार पे छोड़ा, उस गुफा के दरवाजे पे छोड़ा, तो ये उस गुफा के दरवाजे को ये जानबूझ करके बंद करके वहां से चला गया। उसके बाद उस बाली ने कहा कि उस गुफा के अंदर जाकर के एक साल तो मुझे उस मायावी दानों को ढूंढने में लग गया, फिर जब मैंने उसको मारा है तो इस तरीके से तीव्रता के साथ चिल्लाया है और इस प्रकार का रक्त उससे प्रवाहित हुआ कि पूरी गुफा उस रक्त से भर गई। लेकिन उसको मार करके जब मैंने बाहर आना चाहा तो उसका मुख्य द्वार ही पत्थर से बंद था और तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा भाई, ये वास्तव में मेरा भाई नहीं पर मेरा शत्रु है। इस प्रकार से बाली ने हे प्रभु मेरे ऊपर आरोप लगाए और आरोप ही नहीं लगाए, उसके बाद मुझे एकमात्र वस्त्र पहना करके और वहां से राज्य से निकाल दिया। महर्षि वाल्मीकि इस घटना का वर्णन करते हैं, एव मुक्त्वा तु माम तत्रे वस्त्रेणैकेन वान रहा तदा निर्वासयामास बाली विगत साधुशाम। फिर उस बाली ने एक वस्त्र पहना करके मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और उस दिन से मैं यहां से वहां, वहां से यहां भटक रहा हूं। ऋषि मुख गिरिवरम भार्या हरण दुखिता प्रविष्टोस्मि दुराधर से बालिना कारणांतरे, और अपनी पत्नी के अपहरण के दुख से व्याकुल मैं यहां इस ऋषि मुख पर्वत पे आया हूं। इस ऋषि मुख पर्वत पे वो बाली आ नहीं सकता है, इसलिए यहां मैं खुद को सुरक्षित समझता हूं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ है कि उसने अनेक ऐसे शक्तिशाली वानरों को यहां मुझे मारने के लिए भेजा है। यह दूसरी बात है कि मैंने उन सबका संहार कर दिया है। एतत्ते सर्व आख्यातम वैरानुकथनम महत। मैंने आपको ये पूरी जो मेरे वैर की कथा है वो आपको सुनाई है। अनागसा मया प्राप्तम व्यसनम पश्य राघव, बिना कारण मेरे ऊपर ये जो दुख आकर के पड़ा है आप इसके साक्षी हैं, आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से सुग्रीव ने जब राम से कहा तो जो राम सुग्रीव की शरण में आए थे, एक प्रकार से अब वो सुग्रीव राम की शरण में पहुंचे हैं। एव मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्म संगीतम वचनम वक्त मारे वे सुग्रीवम प्रसन्न। तब सुग्रीव को प्रसन्न करते हुए राम कहते हैं, अमोघा सूर्य शंकासा ममई ते निशिता सरा तस्मिन बालिन दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिता। अवश्य ही मेरे ये सूर्य जैसे तेजस्वी जो बाण हैं ये बाली के ऊपर पड़ने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। धन्यवाद मित्रों, रम्य रामायणी कथा चल रही है,
आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस ऋषिमुख पर्वत पे वो बाली क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आ पाता है, और सुग्रीव क्यों ऋषिमुख पर्वत पे ही रह रहे हैं, वो पूरा वृत्तांत मैं आपको अगली कथा में सुनाऊंगा। सुनते रहिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।